दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं डाउनहिल सस्पेंशन फॉक। ये देखिए काफ़ी बढ़िया है। आज का इस पूरा वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि डाउनहिल सस्पेंशन फॉक कैसा है, आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं, प्राइस वगैरह उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अभी रेगुलरली मैं काफ़ी ज़्यादा लंबी लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। या थोड़ा सा सपोर्ट का ज़रूरत है, आप मेरे डू इन मिनट्स चैनल पर जाके काफ़ी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अच्छी अच्छी क्वालिटी की हम लोग अभी वीडियोज़ ला रहे हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सस्पेंशन फॉक के ऊपर। चलिए देखते हैं कि सस्पेंशन फॉक कैसा है, क्वालिटी कैसी है, थोड़ा सा हम लोग आपके पास आकर दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी लुक्स वगैरह को देख सकते हैं कि सस्पेंशन फॉक का लुक कैसा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको ट्विस्ट कर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई, और इस थोड़ा सा हम लोग इसके मैकेनिज्म वगैरह को भी देख लेंगे, काम कैसा करता है। बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ एडवांस तो कुछ है नहीं, नॉर्मल सस्पेंशन फॉक के जैसा ही है। चलिए हम लोग इसको वन बाय वन करके डिसेंबल करके भी दिखाते हैं। साइकिल में कैसे इंस्टॉल होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इस तरीके से बाहर आ जाता है। ये देखिए ये पार्ट बाहर आ गया, और ये रहा इसका स्टीयर ट्यूब जो कि बिल्कुल स्ट्रेट वाला है। इसे आप जैसे नॉर्मली साइकिल के अंदर डालिएगा, यहाँ पर हेडसेट वगैरह आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हेडसेट वगैरह डाल दीजिएगा, इतना पार्ट आपका साइकिल के अंदर चला जाएगा, जो आपका हेड ट्यूब रहेगा साइकिल का। उसमें चल जाने के बाद बस आपको सिंपल सा ये वाला पार्ट ऊपर से ऐसे डालना है, और ये अपने अकॉर्डिंग जितना आपका फ्रेम का लेंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर में लास्ट में एक ये कुछ इस टाइप से कोई भी कलर आप चाहे तो इस तरीके से आप इसमें लगा दीजिएगा। ये आपका हो गया स्टेम, और आपका साइकिल है जो पूरा रेडी हो जाएगा। तो लगभग जो साइकिल का हेड ट्यूब होता है अमूमन इतना चला जाएगा। लगभग एक दो स्पेसर्स आपको ऊपर में देने पड़ेंगे 10 से 20 मिलीमीटर का। और ये सस्पेंशन फॉक देख सकते हैं बिल्कुल गोल्ड यहाँ पे फिनिश दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में, हमको भी ज़्यादा अच्छा ही लग रहा है। बाकी देखिए पीछे में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिया गया है, ऐसे वार्निंग में साइन तो दिया गया है कि इसका यूज़ स्टंट वगैरह के लिए ना करें। बाकी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो हेवी ही है, बाकी स्टंट के लिए इसलिए नहीं कर सकते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत बिल्डिंग वगैरह किया गया है, तो बिल्डिंग मार्क्स के कारण है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि स्टंट में जल्दी टूट पी पाएगा। फायरफॉक्स वाइपर वगैरह आप लोग देखे होंगे, फायरफॉक्स वाइपर में जनरली देखते होंगे डुअल क्राउन, कुछ इस प्रकार का ही डाउनहिल सस्पेंशन फॉक आता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। मजबूत इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके दोनों पिलर्स को यहाँ पर आप देखिए, ये एक प्रकार का पिलर्स है, ये तो पूरा बॉडी हो गया, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रिजिडली अटैच रहता है एक दूसरे में, और ये वाला भी आपस में अटैच हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के कारण काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और डाउनहिल सस्पेंशन फॉक है, डाउनहिल सस्पेंशन फॉक ज़्यादातर यूज़ में आता है, लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ इंक्लाइन करते हैं ना उसमें इसका ज़्यादातर यूज़ आता है। बाकी अदर कितने भी टाइप के सस्पेंशन फॉक होंगे, देखिए इस टाइप का भी सस्पेंशन फॉक, तो ये सब ज़्यादातर MTB बाइक्स में यूज़ किया जाता है। इन दोनों में आप देख सकते हैं मजबूती वगैरह कितना ज़्यादा है, ये वाला आपको काफ़ी हेवी दिखेगा, अच्छा भी रहता है क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो, और काफ़ी प्रीमियम इसमें फिनिशिंग भी दी गई है। साइड में देखिए यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स को भी इंस्टॉल करने के लिए स्लॉट्स दिया गया है, यहाँ पर डिस्क ब्रेक का केबल होश लगेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक इंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी क्वालिटी देखी जाए और ये भी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, आप भी इसे चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए सिंपली आप हमारी डू इन मिनट्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका प्राइस लगभग आपको 3500 यानी 3500 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। समय के अकॉर्डिंग कभी बढ़ता है घटता है, वो इसकी अवेलेबिलिटी के कारण होता है। अगर अवेलेबल हो जाता है तो कम दाम में ही मिल जाएगा। बाकी आप देखते होंगे इस प्रकार के सस्पेंशन फॉक काफ़ी महंगी आती है मार्केट में, 5000 6000 7000 रुपये तक भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा कीजिएगा तो इसमें भी आपको हाइड्रोलिक वाला सिस्टम मिल जाता है। काफ़ी प्रीमियम बाइक्स में आप लोगों ने देखा होगा फॉक्स कंपनी की भी आती है। बाकी ये वाला आप देख सकते हैं किसी स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइप के अगर आप राइड करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ये वाला सस्पेंशन फॉक रहने वाला है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।